स्टूडेंट, आज हम उपस्थित हैं आपके पाठ्य पुस्तक व्याकरण सागर के चौथे भाग के चौथे पाठ के साथ। पाठ का नाम है पर्यायवाची शब्द। बच्चों, भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक समान अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ आपको आंख की तस्वीर दिख रही है, उसे नेत्र, नयन और लोचन भी कहते हैं। उसी तरह से यहाँ बादल, बादल का चित्र आपके सामने है, उसे मेघ, घन और जलद भी कहते हैं। नेत्र, नयन और लोचन तीनों आंख के ही नाम हैं, और मेघ, घन और जलद ये तीनों नाम बादल के ही हैं। इस तरह के शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब हम पर्यायवाची की परिभाषा को जानेंगे। वे शब्द जो एक ही अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, यानी समान अर्थ वाले शब्द। अब हम कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द यहाँ देखेंगे, जैसे दीपक, दिया, चिराग और दीप। उसी तरह से धरती, पृथ्वी, धरा, भूमि। उसी तरह से सूरज, सूर्य, रवि और दिनकर। ये सभी एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश समान अर्थ वाले शब्द ही पर्यायवाची कहलाते हैं। उसी तरह से औरत, स्त्री, नारी, महिला, बेटा, पुत्र, सुत, लड़का, मानव, मनुष्य, नर, मनुज, अध्यापक, गुरु, शिक्षक, आचार्य और कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द। आग, अग्नि, अनल, पावक, कमल, नीरज, सरोज, राजीव, पक्षी, खग, पक्षी, विहग, माँ, माता, अम्बा, जननी, नदी, सरिता, तटनी, तरंगिणी, मोर, मयूर, नीलकंठ, शिखी, रात, रात्रि, निशा, रजनी, दिन, दिवस, वार, दिवा, पुस्तक, किताब, पुथी, ग्रंथ, जगत, संसार, विश्व, दुनिया। तो परिस्थिति व प्रसंग के आधार पर शब्दों का प्रयोग निश्चित होता है। प्रत्येक पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हर जगह नहीं किया जा सकता। जैसे यह उदाहरण के रूप में दिया गया है, पूजा के लिए जल लाना, तो हम यहाँ पूजा के लिए नीर लाना, यह वाक्य हमारा गलत होगा। यहाँ हमारा सही वाक्य होगा पूजा के लिए जल लाना। तो ध्यान रहे कि परिस्थिति व प्रसंग के आधार पर ही शब्दों का प्रयोग निश्चित होता है। थैंक यू।